राम राम सारा ना। तो आज फिर मैं आपके लिए हरियाणा जी के क्या नया टॉपिक लेके आया। अभी तक हमने लगभग 113 के आसपास क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे जो क्वेश्चन बनता है हमारा, जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा जो राष्ट्रीय हरियाणा का पक्षी है वो क्या है। पहले मैंने पूछा था पहली वीडियो में कि जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, वो है ब्लैक बग। अब है राष्ट्रीय पक्षी हरियाणा का, सॉरी राजकीय पक्षी हरियाणा का, राजकीय पक्षी। पहले राजकीय पशु पूछा था ब्लैक बक, अभी है काला तीतर। क्या है? काला तीतर। अगर इंग्लिश में आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंको लिंग, फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन, हिंदी में काला तीतर, और जो इंग्लिश में आ जाए उसको ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई? हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना, हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1886 में, हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सर छोटू राम थे उन्होंने वकालत की जो पढ़ाई है कहाँ से की थी? सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? सर छोटू राम, छोटू राम की वकालत कहाँ से की थी? आगरा विश्वविद्यालय से, जहाँ पे ताजमहल है, आगरा विश्वविद्यालय से, वहाँ से सर छोटू राम ने वकालत की थी, आगरा विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हरियाणा में सीमेंट बनाने का जो चूने का पत्थर है वो कहाँ कहाँ से मिलता है? सीमेंट बनाने का चूने का पत्थर, सीमेंट बनाने के लिए चूने का पत्थर प्रयोग किया जाता है, चूने के पत्थर का, तो वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? हरियाणा के कहाँ पे है? उत्तर में, अंबाला पंचकूला शायद यमुनानगर, ये शिवालिक की पहाड़ियाँ पहाड़ियों से मिलता है, पहाड़ियों से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लाल चेस्टनट मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? लाल चेस्टनट मृदा यानी कि मिट्टी कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है यमुनानगर में। कहाँ पाई जाती है? यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुने जो सुनारिया जेल है वो कहाँ पर है? सुनारिया जेल, सुनारिया जेल कहाँ पर है? ये है रोहतक में। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़, शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य कहाँ पर है? ये है पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला। ठीक है, हरियाणा का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो काला तीतर। हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? 1886 में। और काला तीतर को क्या बोलते हैं? ब्लैक फ्रैंकोलिन। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? आगरा विश्वविद्यालय से। सीमेंट बनाने का जो चूने का पत्थर वो कहाँ से मिलता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। और लाल चेस्टनट मृदा है वो यमुनानगर में पाई जाती है, सुनारिया जेल रोहतक में है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? पंचकूला में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वीर बारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? वीर शिकारगढ़ कहाँ पे है?
वो है पंचकुला में, और वीरवारा, वीर शिकारगढ़ और वीरवारा अलग अलग है। वीर वीर बारा वन्य जीव अभयारण्य, वीर वारा वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये है जींद में, और जो वीर शिकारगढ़ है वो कहाँ पे? पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो जूता बनाने की फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? बाटा की जूता बनाने की, बाटा फैक्ट्री, बाटा जूता, जूते की फैक्ट्री, फैक्ट्री कहाँ पर है ये सभी को पता होगा। ये कहाँ पे? फरीदाबाद में, फरीदाबाद औद्योगिक सिटी है हमारे हरियाणा की। उसके बाद है कि जो सबसे अधिक जो फूल उगाए जाते हैं हरियाणा के अंदर वो कौन से हैं? सबसे अधिक फूल हरियाणा के अंदर, सबसे अधिक खेती, अधिक फूलों की खेती, फूलों की खेती कहाँ? खेती हरियाणा में होती है। कौन सा फूल है वो? खेती, सबसे अधिक फूलों की खेती कौन सा फूल है वो? ग्लेडियोलस फूल, ग्लेडियोलस। क्या नाम है फूल का? ग्लेडियोलस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आपा मारे बिना स्वर किसने देखा? इसका जो आपा मारे बिना स्वर किसने देखा, इसका जो अर्थ होता है कि दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती, यानी कि खुद हमें मेहनत करनी पड़ेगी, किसी कभी भी दूसरे के भरोसे रहकर हमें दूसरे अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये मैं लिखूंगा नहीं, आप वैसे ही लर्न कर लेना। उसके बाद है कि चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग और प्लास्टिक उद्योग और जेसीबी उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग जेसीबी उद्योग ये सब कहाँ पर है? ये सब है फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग और जेसीबी उद्योग सब कहाँ पर है? फरीदाबाद में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जो बासमती चावल है उनका जो निर्यात है, यानी कि यहाँ से जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं हरियाणा के सबसे अधिक निर्यात बासमती चावल का? बासमती चावल का निर्यात सबसे ज्यादा होता है, चावल का निर्यात कहाँ से होता है? ये होता है पानीपत, जहाँ पे तीन युद्ध हुए थे, बासमती चावल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो सराय अली वर्दी की मस्जिद है, सराय अली वर्दी वर्दी की मस्जिद ये कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? पानीपत में, पानीपत में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सबसे ज्यादा 1% है, सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा 1% वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा 1% वाला वो है पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला। और जो सबसे कम 1% वाला जिला है, सबसे कम वो कौन सा है? वो है फतेहाबाद, फतेहाबाद सबसे कम 1 पाए जाते हैं वहां पे, फतेहाबाद है सबसे ज्यादा, पंचकुला है। उसके बाद है नेक्स्ट पेपर सिटी, पेपर सिटी और शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल, पेपर सिटी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है यमुनानगर को,
किसको कहा जाता है यमुनानगर को, और सरस्वती शुगर मिल ये कहाँ पर है, ये भी है यमुनानगर में, कहाँ पर है यमुनानगर, ठीक है सभी यमुनानगर में, पेपर सिटी यमुनानगर को कहा जाता है, सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में है, और जो सराय अली वर्दी की मस्जिद है पानीपत में है, बासमती चावल में निर्यात पानीपत से किया जाता है सबसे ज्यादा, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पंचकूला है, सबसे कम जो प्रतिशत वाला जिला फतेहाबाद है, फतेहाबाद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट बनता है हमारा पंचवटी मंदिर कहाँ पर है, पंचवटी मंदिर, पंचवटी मंदिर कहाँ पर है, पलवल में, पलवल में, और पंचमुखी जो पंचमुखी मंदिर है वो कहाँ पर है, पंचमुखी मंदिर है हमारा यमुनानगर, यमुना नगर में, पंचवटी पलवल में, पंचमुखी यमुनानगर में, ये देखो प पलवल व वैल, यानी कि जहाँ पे पै वैल आए वो पंचवटी मंदिर पलवल में, और जहाँ पे यमुनानगर मैं पंचमुखी मैं आ गया वो कहाँ पे, पंचमुखी मंदिर यमुनानगर में, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल बाबू थे वो कौन थे, हरियाणा के, हरियाणा के पहले एडवोकेट, एडवोकेट जनरल बाबू, बाबू वो कौन थे, एडवोकेट जनरल बाबू वो थे हरियाणा के जो फर्स्ट थे जनरल बाबू आनंद स्वरूप, कौन थे, आनंद स्वरूप ये थे पहले हरियाणा के एडवोकेट जनरल बाबू। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं अनुसंधान निर्देशालय, गेहूं अनुसंधान निर्देशालय, और एक और है केंद्रीय मिट्टी लवणता, ये पहले भी कराया मैंने, केंद्रीय मिट्टी लवणता, ये सब कहाँ पे, इसे पता चल गया होगा, ये सब है करनाल के अंदर, करनाल, ठीक है करनाल में ये सब। आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई कितनी है, शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई, शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है, यह 900 से 23,300 मीटर, 900 से 23,300 मीटर की ऊंचाई है शिवालिक की पहाड़ियों की। उसके बाद है मशीनों के कलपुर्जे शराब का निर्माण कहां पर किया जाता है, मशीनों के कलपुर्जे, जो मशीनों के पुर्जे होते हैं उनका निर्माण, पुर्जे का, पुर्जों का निर्माण, शराब का निर्माण, शराब का निर्माण यानी शराब कहाँ मनाई जाती है ज़्यादा, वो मनाई जाती है यमुनानगर, कहाँ मनाई जाती है यमुनानगर में, मशीनों के कलपुर्जों का निर्माण भी यमुनानगर में होता है, शराब का निर्माण भी यमुनानगर में होता है। उसके बाद हमारा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर, सभी को पता होगा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, ये सब कहाँ पर, ये यमुनानगर, कहाँ पर है यमुनानगर, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद है हमारा राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय क्लेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, वही यमुनानगर में है। उसके बाद है कि जो हरियाणा की जानकारी है, बौद्ध के जो साहित्य है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध एक धर्म है, उसके दो साहित्य हैं, उसमें हरियाणा की जानकारी मिली है, वो कौन कौन से ग्रंथ है? एक तो मंजी मणिकाय बौद्ध साहित्य है जिसमें हरियाणा की जानकारी मिली है, कौन सा है? पहला है मंजी मणिकाय, मंजी मंजी मणिकाय, मंजी मणिकाय। दूसरा है दिव्य अवदान, दिव्य अवदान। ये दो साहित्य है जिसमें हरियाणा की जानकारी मिलती है, दो साहित्य है बौद्ध साहित्य है जिसे मंजी मणिकाय, दिव्य अवदान, हरियाणा की जानकारी मिलती है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बनता है कि डिविजनल कॉन्फ्रेंस 1920 में हुई थी, डिविजनल कॉन्फ्रेंस, डिविजनल कॉन्फ्रेंस, डिविजनल कॉन्फ्रेंस और फ्रेंस जो कब हुई थी? 1920 में, 1920 में हुई थी। और इसके अंदर पूछा गया कि इसके सचिव कौन थे, सचिव कौन थे, इसके सचिव थे पंडित नेकीराम शर्मा। कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। डिविजनल कॉन्फ्रेंस 1920 में हुई थी, इनके सचिव कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा। उसके बाद है कि राजदूत जो मोटरसाइकिल की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? राजदूत मोटरसाइकिल आती थी पहले, राजदूत मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ पर है? फरीदाबाद में, ये फरीदाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये राष्ट्रीय एक कौन था? राष्ट्रीय क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो यमुनानगर में, एक दो एक और राष्ट्रीय उद्यान हमारे हरियाणा के अंदर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? ये गुड़गांव में, वो कहाँ पे था? वो यमुनानगर में है, क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये गुरुगांव में, गुड़गांव में यानी कि गुरुग्राम। अब इसका नाम क्या है? गुरुग्राम, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हरियाणा राज्य का गठन हुआ था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? हरियाणा, हरियाणा राज्य का गठन, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 17वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा था? 17वें। और ये हरियाणा जो राज्य बना था वो देश का 17वां राज्य था, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आता है कि जो मशरूम की खेती है खुम्बी की, खुम्बी की खेती जिसको मशरूम कहते हैं, खुम्बी, मशरूम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? हरियाणा के अंदर, वैसे एशिया के अंदर सोनीपत में होती है, सोनीपत में, और अब यमुनानगर में भी होने लगी है, सोनीपत से भी आगे चला गया है, मगर अभी नाम किसका चल रहा है? सोनीपत का, मगर यमुनानगर अब मशरूम की खेती में सबसे आगे निकल गया है। आज के लिए इतना ही, आप सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।